यूपीपीएससी यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडी पेपर नंबर 3 के पॉइंट नंबर 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन जो हुआ उसमें योजना आयोग की क्या भूमिका थी और भारत की अब तक 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है और 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो उसमें क्या क्या हमारे लक्ष्य रखे गए, क्या क्या उपलब्धियाँ थी, इसके बारे में आज पूरा टॉपिक चर्चा करेंगे। और 1 से 2 क्लासेस में ये पूरा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को पीडीएफ सक्सेस मंच चैनल और सक्सेस मंच पेज, सक्सेस मंच का टेलीग्राम जो चैनल है उस पे और सक्सेस मंच पेज पे जो फेसबुक का पेज होता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और पीडीएफ के लिए आप लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा पेज पे और चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इससे पहले जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियो जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4 देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम योजना आयोग की बात करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी, इसके लिए योजना आयोग का यहाँ पर गठन किया गया। सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं थी कि हमारे पास जितनी संसाधन उपलब्ध है उसका उचित तरीके से कैसे क्रियान्वयन किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, तो उसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया। और समस्याओं के इन्हीं समाधान के लिए जो उपरोक्त समस्याएँ दी गई हैं 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो अगर हम मेनली बात करें तो 2 प्रमुख इसमें कारण थे। एक था आर्थिक संसाधनों के उचित प्रयोग के लिए, जो भी हमारे पास संसाधन थे, और दूसरा था राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए। ये 2 मेन रीज़न थे, जो मेन कारण थे जिसकी वजह से योजना आयोग का गठन यहाँ पर किया गया था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई जो कि योजना आयोग के द्वारा उसका पूरा क्रियान्वयन किया जाता था। तो वो कैसे कैसे चलाई गई, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य बताइए, उसका लक्ष्य बताइए इस टाइप से, और पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना का नाम भी देके कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इसलिए हम शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पे करेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद बहुमुखी विकास के लिए पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की गई, क्योंकि हमारे पास जितने भी लक्ष्य थे उसको, जितने भी हमारे पास संसाधन थे उसको उचित ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए कुछ योजना बनाना जरूरी था, जिसको पंचवर्षीय योजना भारत में रूप दिया गया। 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है, 13वीं अभी चल रही है जो कि 2017 से 2022 तक की है। चलिए देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में बनी थी और 56 तक चली थी। इसका उद्देश्य क्या था, देश के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न जो आर्थिक असंतुलन हो गया था उसकी समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो चुका था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान में चली गई थी, इंडस्ट्रियल एरिया और कुछ खाद्यान्न उत्पादन जो खेत थे अच्छे, और कुछ इंडिया में रह गए थे, तो बाकी आर्थिक असंतुलन की स्थिति इंडिया में पैदा हो गई थी। देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाना ये इसका उद्देश्य था। उत्पादन में वृद्धि करके जनसाधारण के जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा धन के वितरण की असमानता को दूर करना, मेन लक्ष्य यहाँ पर ये थे। और लास्ट में मैं आपको एक प्रॉपर खाका दे दूंगी जिसमें आप एक ही पेज में पूरी योजनाएं जितनी भी हैं उसका ईयर, उसका क्या हमने लक्ष्य रखा था, कितनी वृद्धि दर प्राप्त हुई, ये सारा आप अच्छे से उसमें पढ़ सकते होंगे। उसके लिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं उपलब्धि क्या थी। तो आर्थिक प्रगति जो थी यहाँ पे संतोषजनक रही थी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लक्ष्य से अधिक वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई थी। भूमि सुधार कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में भी यहाँ वृद्धि हो गई थी, औद्योगिक उत्पादन 40% यहाँ बढ़ गया था, और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य परिवहन के क्षेत्र में भी विकास हुआ था। तो जिस हिसाब से हमारी आर्थिक असंतुलन की स्थिति थी, तो प्रथम योजना में इसको उभरने में काफ़ी गति प्रदान हुई, तो ये हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये योजना सफल रही थी। चलिए अब देखते हैं सेकंड योजना पे जो कि थी 1956 से 61 के बीच में, ये 5 साल की योजना थी। इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास पर बल देना, आधारभूत तथा भारी उद्योगों की स्थापना करना। तो आपने ज़्यादातर देखे होंगे जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी वो 56 से 61 के बीच में हुई थी, हिंडालको टाइप में इंडस्ट्रीज जो थी वो।
रोजगार सुविधाओं का विकास करना, आर्थिक विषमता को दूर करना। तो ये हमारे उद्देश्य थे सेकंड पंचवर्षीय योजना के। तो इसमें उपलब्धि की बात कर सकते हैं, तो खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था, उत्पादन बहुत कम हुआ था यहाँ पर। राष्ट्रीय आय में जो भी हमने लक्ष्य रखा था उससे बहुत ही कम वृद्धि हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट में डूब गई थी। तो ओवरऑल हम देखें तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है उसमें हम लक्ष्य की प्राप्ति करने में असफल रहे थे। चलिए थर्ड पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जो कि 1961 से 66 के बीच में थी। इसका उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना, मशीनरी उद्योगों की स्थापना करना तथा बेरोजगारी को दूर करना। इसकी उपलब्धियों की हम बात करें तो चीन तथा पाकिस्तान का आक्रमण हो गया था जब 61-62 में, तो उसके कारण देश का जो विकास हुआ था वो बाधित हो गया और इस योजना काल में केवल बहुत हम कह सकते लिमिटेड ही सफलता यहाँ पर मिली थी। तो ओवरऑल ये भी योजना बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई थी, थर्ड पंचवर्षीय योजना देश के विकास में। नेक्स्ट उसके बाद जब 66 का ईयर आया, जब तीन पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गई, उसके बाद 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया था। तो 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई यहाँ पे 67 के लिए, 68 के लिए और 69 के लिए। और इन 3 योजनाएं जो हैं इनमें साधनों का अभाव रहा इन वार्षिक योजनाओं में, जिससे हमारे देश के विकास की गति बहुत ही धीमी रही, मंद रही। चलिए आगे बात करते हैं। चौथी जो पंचवर्षीय योजना बनी वो बनी 1969 से 74 के बीच में। इसका उद्देश्य था विकास की दर को तेज करना, कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव को, जो भी कभी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है कभी कम उत्पादन हो रहा है उसको बैलेंस करना, विदेशी सहायता पर निर्भरता को यहाँ कम करना, जनजीवन के स्तर को ऊँचा उठाना, इसका मतलब ये है कि प्रति व्यक्ति आय को यहाँ बढ़ाना, दुर्बल वर्ग के लोगों की दशा को यहाँ सुधारना, संपत्ति आय तथा आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, क्योंकि एक बहुत मतलब औद्योगिक जो बड़े बड़े घराने होते थे वो सत्ता का और संपत्ति का आय का केंद्रीकरण अपने पास रख लेते थे इकट्ठा करके, जो कि और लोगों की इस जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में बाधा उत्पन्न करती थी ये चीज़ें। अब इसकी उपलब्धि की बात करें तो सभी लक्ष्य यहाँ पे पूरे नहीं हुए हैं। निर्यात के क्षेत्र में अवश्य वृद्धि हुई है, मतलब कि जो चीज़ें हम अपने इंडिया से बाहर भेज रहे थे बेचने के लिए उसमें ज़रूर वृद्धि हुई, लेकिन ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो ये योजना भी बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुई थी। चलिए नेक्स्ट पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 79 के बीच में चली थी। तो ईयर आप याद रखोगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। इसका उद्देश्य था मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता को यहाँ प्राप्त करना था, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारना, महंगाई पर नियंत्रण करना जिसे मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी। योजना एक वर्ष पूर्व ही अर्थात 1978 में समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पहली बार कांग्रेस से हटके दूसरे मुरारजी देसाई की सरकार यहाँ पर आई, इस वजह से ये योजना एक वर्ष पहले ही उन्होंने समाप्त कर दी। कारण देश में राजनीतिक उथल पुथल का वातावरण, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी तक जो 1978 तक था 79 तक था कांग्रेस की सरकार लगातार आ रही थी, अब सरकार चेंज हुई, इस वजह से इस योजना को एक वर्ष पहले ही बंद कर दिया गया। अब जब सरकार नहीं आई उसने 2 वार्षिक योजनाएं बनाई, 1978 से 79 और 79 से 80। इसके द्वारा पिछड़े हुए लक्ष्यों को प्राप्त कर, जितने भी ओवरऑल पहले लक्ष्य बनाए गए थे उसको प्राप्त करने का यहाँ इन्होंने प्रयास किया। अब देखते हैं वापस यहाँ कांग्रेस सरकार आई है, अब यहाँ पर 80-85 के बीच में 6ठी योजना उन्होंने बनाई। उद्देश्य क्या,
कृषि तथा उद्योगों के आधारभूत ढांचे को एक साथ विकसित करने, रोजगार के अवसर को जुटाने, गरीबी को दूर करने, परिवार नियोजन का प्रसार करने, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का लक्ष्य रखा इन्होंने। अब इन्हीं ये जो 80-85 का पीरियड था, 6 तो जो पंचवर्षीय योजना आई थी, इसी में आपने देखा होगा परिवार नियोजन का कार्यक्रम, जो कि इंदिरा गांधी के सरकार में बहुत ज़्यादा नसबंदी का कार्यक्रम इसी समय चलाया गया, लोगों को पकड़ पकड़ के यहाँ नसबंदी कराई जाने लगी थी। तो ये मेन यहाँ पर आप याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया और आर्थिक जो संतुलन है उसके विकास के कार्यक्रम चलाए गए, संतुलित आर्थिक विकास, जो कि आर्थिक विकास ओवरऑल नीचे से लेके ऊपर के तबके तक प्रॉपर हो, समन्वय के साथ हो, बराबरी के साथ हो, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए। उपलब्धि की बात करते हैं तो जनसंख्या के तीव्र वृद्धि दर होने के कारण ये सभी कार्यक्रम लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए। इस योजना ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक स्वस्थ वातावरण अवश्य तैयार कर दिया, मतलब कि इन्हीं लक्ष्यों के साथ हम लोग आगे सेवंथ पंचवर्षीय योजना को लेकर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, सेवंथ पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये चलाई गई थी 1985 से 90 तक, मतलब कि 85 से लेके 90 तक। इसका उद्देश्य है था सुनियोजित विकास करना, मतलब कि हर एक क्षेत्र में नियोजन के साथ विकास करना, आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, उत्पादन में वृद्धि करना, कमजोर वर्गों का संरक्षण करना, निर्धनता को दूर करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, निर्यात में वृद्धि करना, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करना। अब आप लोग देख सकते हैं कि अब तक जितनी भी योजनाएं चलाई गई थी उसमें पर्यावरण को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। जब दुनिया की और कंट्रीज में पर्यावरण के प्रदूषण पे ध्यान दिया जाने लगा, जब आर्कटिक में हमें छेद दिखाई देने लगा, ओजोन परत में छेद दिखाई देने लगा, तब यहाँ पे इंडिया ने भी इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने पर ध्यान दिया। तो ये आप यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि क्षेत्र में विस्तार करना और आवासों के निर्माण में वृद्धि करना आदि, तो ये सारे हमारे उद्देश्य थे। बट ये उद्देश्य भी योजना निश्चित ही उपलब्धियों से पूर्ण थे, मतलब कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो सेवंथ योजनाओं को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट, अब हमने चलाई इसके बाद 1991 और 1991 से 2 तक दो वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इसमें मुख्य रूप से अधिकतम रोजगार प्रदान करने और सामाजिक स्थानांतरण पर बल दिया गया इन दो वार्षिक योजनाओं में। आप लोग जानते हैं यहीं से हमारा अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन, ये सारी जो चीज़ें थी, उदारीकरण, निजीकरण और ये सब यहाँ पर इन्हीं दो वर्षों के बाद शुरू की गई राजीव गांधी सरकार के द्वारा। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें जो 1992 से 97 तक चलाई गई, इसका उद्देश्य था मानव संसाधन विकास पर विशेष बल देना, इसके लिए गांव में पेयजल उपलब्ध कराना, सिर पर मैला उठाने की कुप्रथा को दूर करना, पर्यावरण स्वच्छ रखना, परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई आदि का प्रचार करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार तथा समाज कल्याण की योजनाओं का विकास करना, इसका मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो यहाँ मानव के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया आठवीं पंचवर्षीय योजना में। अब उपलब्धि की बात करें तो उपलब्धियाँ हासिल नहीं हो सकी थी, गरीबों और दलितों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला, क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई, कृषि विकास के बावजूद कुल संभावना का दोहन नहीं किया जा सका, अन्य आधारभूत लक्ष्य भी अधूरे यहाँ रह गए। इसका मुख्य रीज़न आप जानते हैं, यहाँ खाड़ी युद्ध हुआ था और इसके अलावा भारत जो था वो 91 में थोड़ा सा आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, यहाँ तक कि उसको अपना आगे की ऑयल की जो पूर्ति थी उसके करने के लिए भी बहुत ही कम पैसे यहाँ पर मिले थे, तो उसे आगे जाके वर्ल्ड बैंक से लोन भी लेना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ों के कारण ये उपलब्धियाँ यहाँ प्राप्त नहीं हो सकी थी। चलिए आगे नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं जो कि 1997 से 2002 के बीच में चली थी। तो इसके उद्देश्य की बात करें तो पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करना,
कृषि एवं ग्रामीण विकास करना, निर्धनता का उन्मूलन करना, सभी के लिए स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, आवास की सुविधाओं सहित न्यूनतम आवश्यकताओं की समयबद्ध आपूर्ति, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश, महिलाओं व दलितों का उत्थान, मूल्य में स्थिरता आदि। नौवीं पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसे भी अपने लक्ष्य की पूर्ति तक पहुंचने में बहुत कठिनाइयां हुई और नहीं पहुंच पाई अपने लक्ष्य की पूर्ति तक। चलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं, जो कि 2002 से 2007 के बीच में चलाई गई थी। तो 1 सितंबर 2001 को राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कहा जाता है, अपनी 49 बैठक में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को अनुमोदन प्रदान किया। और अनुमोदित दृष्टिकोण पत्र के जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो ये हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन के 8% वार्षिक दर का लक्ष्य प्राप्त करना, उद्योगों क्षेत्र की वृद्धि दर 10% वार्षिक करना, निर्धनता अनुपात में 2007 तक 20% तथा 2012 तक 10% लाना, वर्ष 2007 तक सभी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सभी को, और 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को 16.2% तक सीमित करना। तो ये लक्ष्य रखे गए दसवीं पंचवर्षीय योजना के। अब देख लेते हैं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या क्या रखे गए थे। यहाँ पे 2012 तक सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराना, क्योंकि इस समय तक टेलीफोन हर एक गांव शहर की आवश्यकता बन चुकी थी। सभी गांवों व निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों को 2009 तक बिजली व योजना के अंत तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, 2022 तक सभी भूमिहीनों को घर और जमीन उपलब्ध कराना, 2012 तक सॉरी 0 से 3 साल के बच्चों में कुपोषण को घटाकर उन्हें आधा करना, प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करना, यहाँ 2.1 आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, सॉरी वर्ष 2009 तक सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराना। तो ये था हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। आगे देख लेते हैं, इसी में ही मातृ मृत्यु दर को घटाकर 2% करना और मातृ मृत्यु अनुपात को 1000 पर 1 करना। विकास दर का लक्ष्य 9% रखा गया पर ईयर, 5.8 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करना, 2011-12 तक प्राथमिक शिक्षा में बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में 52.2% से घटाकर 20% की कटौती करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 10% से बढ़ाकर 15% करना, और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रत्यक्ष तौर पर 33% का आरक्षण रखना। तो मेनली ये वाला पॉइंट जो है, ये हमारा मुख्य इसमें हो जाता है। चलिए अब 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जो कि 2012 से 2017 के बीच में चलाई गई थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 9.0 से 9.5% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखना है। यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9.0% आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 8.2% रहने का ही यहाँ अनुमान लगाया गया था। 100% साक्षरता दर हासिल करने का महत्वाकांक्षी यहाँ लक्ष्य रखा गया। 12वीं योजना मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, ग्रामीण अवसंरचना पर अधिक यहाँ पर 12वीं योजना पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य के लिए कुल सकल घरेलू उत्पादन का 2 से 2.5% तक खर्च यहाँ पर किया गया, और पिछली योजना में मात्र यहाँ पर 1.3% यहाँ खर्च किया गया था स्वास्थ्य पर। प्रत्यक्ष विदेशी नीति को और भी अधिक उदार बनाया गया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी अधिक बढ़ावा दिया जा सके। योजना के दौरान सरकारी योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। अगले 5 वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति की दर को 5 से 5.5% के बीच में रखने का प्रयास किया गया। भूमिगत जल के लिए नई नीति का विकास किया गया और जल राज्य स्तरीय जल नियामक प्राधिकरणों का यहां गठन किया गया। कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि इसकी तुलना में 11वीं योजना के दौरान वृद्धि दर मात्र 3% ही यहाँ पर रही थी।
चलिए, अब जो चल रही है इस समय वो है 13वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2017 से 2022 के बीच में है। इसके अंतर्गत मेन क्या लक्ष्य रखे गए हैं, संसाधनों, पुस्तकें, क्लासरूम आदि को यहाँ दुरुस्त किया जाएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ जो फोकस दिया गया है वो शिक्षा पर दिया गया। रेमेडियल क्लासेस के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के कमजोर विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, सिविल सर्विसेज व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को गाइडेंस दी जाएगी। विषय विशेषज्ञ और कैरियर काउंसिल के लिए भी अलग से यहाँ बजट मिलेगा। तो ये थी 13th पंचवर्षीय योजना, जो कि मुख्यतः शिक्षा को ध्यान में रख के बनाई गई है। ये आप देख सकते हो, मैंने पूरी यहाँ टेबल दी है भारत की पंचवर्षीय योजना की, इसकी अवधि दी हुई है जो कि हमने अभी बात की। इसमें प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि किस क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि क्या चीज़ें थी इनमें ज़्यादा फोकस इसमें किया गया। इसकी लक्ष्य कौन कितना रखा गया राष्ट्रीय आय में वृद्धि का, और कितनी वृद्धि दर प्राप्त हुई है, ये आप देखेंगे। तो ये पूरी टेबल आप ओवरऑल ऐसे ही लर्न कर लोगे। तो अगर आपको वो जो पॉइंट्स मैंने आगे कराए हैं वो नहीं भी याद आ रहे हैं, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज, क्योंकि डिट्टो तो किसी को भी योजना आप 1 से लेके 13 तक याद नहीं रहेंगी। ओवरऑल सब कुछ एक ही चीज़ आ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा कृषि, बिजली, सिंचाई, खाद्य उद्योग, गरीबी और ऊर्जा, मानव स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीज़ें सेम हर एक योजना में आ रही है। आपको ये याद रखना है कि वो लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए या नहीं कर पाए, उसकी अवधि कितनी थी, ये चीज़ें मेन यहाँ फोकस करने वाली है। बाकी आंसर आपको एक ही चीज लिखनी है सब में, ओवरऑल लक्ष्य का दर और वृद्धि दर दोनों आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, और उसकी जो वर्तमान चुनौतियां हैं वो सब क्या हैं, उसके बारे में करेंगे। और साथ में प्लस नीति आयोग की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। तो इसके बाद ये पहला टॉपिक, यहाँ नीति आयोग की चर्चा करने के बाद पहला टॉपिक ओवरऑल यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द आपका सिलेबस ख़त्म कराऊँ 2 से 3 महीने के अंदर, ताकि जब आप प्री दें उसके बाद मेंस आए तो आप पूरा प्रॉपर, आपको सारा मटीरियल एक ही जगह एक ही साथ यहाँ पर मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक भी इसका लाभ पहुँच पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।